वृत्ति शब्द बनता है वृत्त शब्द से। वृत्त कहते सर्कल को, जिसका कोई एंड ही नहीं है, बस गोल गोल घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, कभी यहां से स्टार्ट किया बस फिर घूम रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं। ऐसे ही जो वृत्ति है उसका कोई एंड नहीं है। वृत्ति के चक्र व्यूह में एक बार फंस जाते हैं तो फिर कभी वृत्ति शांत नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा कि आप अपने किसी वृत्ति को पूरा करके ठहर जाओ, ऐसा नहीं कहा। ऋषियों ने कहा कि आप अपनी वृत्तियों को रोक दो, जहां पर भी जिस भी अवस्था में हो वृत्तियों को रोक दो, सत्य को रियलाइज करो, बोध को प्राप्त करो। जैसे आपको बोध की प्राप्ति होगी, जैसे आपके जीवन में बोध घटित हो जाएगा, वैसे ही आपके प्रत्येक कर्म सम्यक होने लगेंगे, आपके प्रत्येक कर्म ठीक ठीक होने लगेंगे। आपको जिंदगी दौड़ने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी ठहरने के लिए मिली है। वृत्तियों के मुताबिक चलने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, वृत्तियों को अपने वश में रखने के लिए जिंदगी मिली है। जिंदगी एक समर है, जिंदगी एक समर है जहां पर युद्ध होता है हमारी और वृत्तियों की। वृत्तियां जीत जाती है तो फिर उसे चक्रव्यूह में ले आती है, फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही श्रृंखला चलती रहती है। आप कहेंगे कि नहीं तो अच्छी बात है ना, जन्म मिलना कौन सी बुरी बात है, हम तो बड़े खुश हैं। जरा आप उन लोगों से पूछना जो किसी दो देश के बॉर्डर पर आतंकवाद के साए में ड्यूटी कर रहे होंगे, उनसे पूछना जिंदगी कितनी खुशहाल है। जरा उन लोगों से पूछना जो बलूचिस्तान में रह रहे हैं, या उन लोगों से पूछना जिनको दो जून की रोटी मिलना भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। उन लोगों से पूछना जिंदगी कितनी दुखदाई है, कितनी कष्टदाई है, जो किसी भयानक रोग के शिकार हो गए हो। उन लोगों से पूछना जिंदगी कितनी सुखदाई है, जिनको आध्यात्मिक आधिभौतिक व आधिदैविक दुख सता रहे हो। तो मेरे मित्रों, ऋषियों ने क्या कहा, वृत्तियों के चक्र में मत पड़ो, वृत्तियों को रोक दो, उसको पूरा करने के फेर में मत पड़ो। जैसे वृत्तियां रुक जाएंगी सत्य प्रकाशित होगा, आनंद का जो सागर है वह प्रकट होगा, आत्मदर्शन व प्रभु दर्शन होगा, सारे रहस्य का ज्ञान होगा, फिर तो इस संसार में आप जिस तरह से जल के अंदर मछली तैर रही होती है, वैसे आप इस संसार में रह करके भी आनंद के सागर में तैरते रहेंगे। लेकिन रुकना होगा, वृत्तियों को रोकने के उपाय करने होंगे। कैसे वृत्तियों को रोकें, कैसे वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करें, यह सारी बातें आपको योग सिखाता है। योग उसी विद्या का नाम है जो वृत्तियों को रोकना सिखाता है, फिर वृत्तियों को पूरी तरह से मिटाना सिखाता है। मित्रों, आप हम सभी उस योग पथ पर चलने के लिए नित्य निरंतर योग कथा का श्रवण करें, योग कथा का मनन करें, योग कथा का निधिध्यासन करें, अपने आचरण में उतारें, फिर साक्षात्कार के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। जीवन मिला हुआ है वृत्तियों से पार चलने के लिए, वृत्तियों से उतरने के लिए। वृत्तियां ही वस्तुतः भवसागर है, उस भवसागर से पार होने के लिए आप सभी योग पथ पर चलते रहेंगे,
सब लोग चल रहे हैं, सभी लोग नित्य निरंतर योग कथा का श्रवण करते हुए योग के क्रियात्मक पक्ष का भी अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।